नासिन, ये जो जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये इसका डी ब्लॉक है सारा। आप इस साइड पे भी अगर आप देखें तो डी ब्लॉक के प्लॉट्स ये बीच वाली पट्टी में भी यहाँ पे आ रहे हैं, और इसी तरह से ये जो बिल बोर्ड की बैक साइड के ऊपर ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा एरिया इसका डी ब्लॉक का एरिया है। डी ब्लॉक के स्टार्टिंग के अंदर वो कुछ बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और ये सारे अभी एरिया मौजूद है। यहाँ पे भी ये सारा मोस्टली बिका हुआ है, बीच बीच में से हमें कुछ प्लॉट्स इसके अंदर रीसेल के अंदर ऑप्शन मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इस साइड पे आपको दिखाऊं, ये जो देख रहे हैं ये पट्टी, ये भी डी ब्लॉक की है, और डी ब्लॉक की लोकेशन अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल हिल टॉप है। यानी यहाँ से आपके व्यू अगर मैं देखूं तो मेरे बिल्कुल सामने जो आप ये व्यू देख रहे हैं, ये सारा मरगला व्यू आ जाता है, मरगला की पहाड़ियां आ जाती है। इसी में यहाँ पे बरकाऊ साइड आ गई, इसी तरह से इसके साथ पीछे मरगला की व्यू आ गया। इसी तरह से अगर मैं इस साइड पे आपको दिखाऊं, ये सामने का जो आप देख रहे हैं यहाँ से, तो ये सारा के सारा आपका मरी का व्यू आ जाता है। और मरी के व्यू के साथ अगर हम इस साइड पे जाएं, और इस साइड पे अगर मैं सामने दिखाऊं, ये बेसिकली क्योंकि मैं डी ब्लॉक के ऊपर ही हूँ, तो यहाँ से अगर आप ये सामने व्यू देखते हैं तो ये बैरिया इनक्लेव का व्यू आपको नजर आएगा। तो जो डी ब्लॉक की लोकेशन है, लोकेशन वाइज ये एक बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। यानी अगर आप चाहते हैं कि अच्छी खूबसूरत लोकेशन वाली जगह हो, तो फिर पार्क व्यू के अंदर डी ब्लॉक एक बेहतरीन जगह है जहां से आप अपना सारा व्यू कर सकते हैं। ये नाज़रीन जो डी ब्लॉक के अंदर बने हुए हैं, जो विलास वगैरह बन चुके हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पार्क व्यू सिटी के अंदर ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक का आपको व्यू मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये पोजिशनेबल ब्लॉक है, और इसमें अगर आप ये देखें, ये एक आपको विला बना नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ ई ब्लॉक के अंदर डिफरेंट साइज की कटिंग्स हैं, तो ये भी बिल्कुल हिल टॉप बन रहा है। अगर आप मेरे इस साइड पे देखें, ये सारे इसके प्लॉट का जो एरिया कटिंग का बना हुआ है, ये सामने के आप सारा देख रहे हैं जितना भी। अगर ये सामने नीचे अगर आप देखें तो ये सारा का सारा एरिया ई ब्लॉक का है। इसी तरह से ये जो सामने का आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे का सारा एरिया ई ब्लॉक के अंदर है। और ई ब्लॉक भी एक अच्छी हाइट वाली जगह है। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, सामने बिल्कुल सामने जो हमारा ये व्यू नजर आ रहा है, ये मरगला का व्यू है। इसी तरह से इस साइड के ऊपर आपका बरकाऊ सामने आ जाएगा, और फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर घुमाऊं तो ये सामने आपका मरी का व्यू आ जाता है। इसी तरह से इसकी जब बैक साइड पे अगर हम देखेंगे उस साइड पे, तो वहां पे आपको बैरिया इनक्लेव का व्यू भी नजर आएगा। और इसी तरह से अगर मैं इस साइड पे देखूं, ये जो हिल टॉप बिल्कुल टॉप की नजर आ रही है, ये है इसका एफ सेक्टर है। नाज़रीन ये जो आप देख रहे हैं, ये ई ब्लॉक के अंदर जो घर बने हुए हैं, और ई ब्लॉक पोजिशनेबल ब्लॉक है। नाज़रीन इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये इसका एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के अंदर कटिंग का एरिया जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने प्लान कर दिया है। और इसी तरह से ये नीचे अगर आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी कटिंग कर रहे हैं ये एरिया की, नीचे वो रिटेनिंग वॉल वगैरह का भी काम हो रहा है। तो ये जो आपको बिल्कुल ऊपर करके बाउंड्री के साथ साथ वो जो छोटे छोटे से पोल नजर आ रहे हैं, इस पोल की बैक साइड के ऊपर यहाँ पे इसका फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट जो है, ये रिजर्व्ड एरिया है, गवर्नमेंट का मख्तस किया हुआ फॉरेस्ट है, फॉरएवर रहेगा, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते उसकी बैक साइड के ऊपर सारा। तो वो एरिया जो है आपका हमेशा जंगल वाला एरिया रहेगा। और इसी तरह से इससे पहले पहले ये सारे रिटेनिंग वॉल वगैरह दे के इसको महफूज बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन आप यहाँ पे ये जो एफ ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हैं, गलियां इसकी कारपेटेड हो चुकी हैं, पोल लग चुके हैं, और ये कुछ आपको मकान भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये सामने आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर मेरे इस साइड पे आप देखें, ये सामने नीचे आप देखें, तो यहाँ पे भी एक मकान की बेस बन रही है। तो ये जो एफ ब्लॉक है, इसके अंदर भी पोजिशन दे चुके हैं, पोजिशनेबल ब्लॉक है। तो यहाँ पे आपको कैश के ऊपर भी मिल जाएंगे, और लिमिटेड तादाद में इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर भी अवेलेबल है। और इसका व्यू भी बहुत अच्छा बनता है कि सामने मरी वाला व्यू आ गया, इस साइड पे आपका मरगला का व्यू आ जाता है, तो एफ ब्लॉक का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह से जहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये अगर आप देखें, ये सारा एफ ब्लॉक का एरिया है।
ऐसे ही अगर आप मेरे इस साइड पे बैक पे देखें तो ये सारा एफ ब्लॉक का एरिया आ जाता है। ये सामने आपको ये जो ऊपर पोल से नजर आ रहे हैं, इसकी बैक साइड के ऊपर फॉरेस्ट का एरिया है, जो एक डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट है। वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती इन पोल्स की बैक साइड के ऊपर, और उससे इधर इधर सारा पार्क व्यू का एरिया है।